यानी हमें वेरीफाई करना है, लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन बाई टू ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन बाई टू ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज लार्ज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस यानी ब्रैकेट ओपन जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, ब्रैकेट क्लोज। अब मान लीजिए ये जो है हमारा ये एल एच एस है, इसे हम एल एच एस मान लेते हैं और ये जो है आर एच एस, तो इसे हम सॉल्व करते हैं आर एच एस को। अगर आर एच एस को सॉल्व करके एल एच एस आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। राइट बच्चों, तो हम आर एच एस सॉल्व करते हैं। राइट बच्चों, तो देखिए वन बाई टू को हम वन बाई टू ही लिख सकते हैं। राइट, अब ये ब्रैकेट ओपन है तो इसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। अब देखिए एम यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। राइट, ये फार्मूला तो यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ए क्या है यानी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। राइट बच्चों, देन प्लस यहाँ पे भी सेम पुट कर देना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड। राइट, देन अगेन प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टू जेड एक्स। राइट बच्चों, ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो सेम ही रहेगा, वन बाई टू ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। राइट, अगेन इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब देखिए एक्स स्क्वायर और भी है किसी जगह यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, तो सेम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। राइट, अब वाई स्क्वायर देखते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और है एक्स स्क्वायर बच्चों, ये बिल्कुल है यहाँ पे वाई स्क्वायर यानी टू टाइम्स है, तो यहाँ पे हम टू टाइम्स लिख लेंगे टू एक्स स्क्वायर। प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ भी वाई स्क्वायर है प्लस के और यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे टू वाई स्क्वायर। देन जेड देखते हैं यानी जेड स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसे लिख लेंगे टू जेड का होल स्क्वायर। राइट, अभी देखिए माइनस टू एक्स वाई और भी कहीं है, अब देखिए माइनस टू एक्स वाई, तो एक्स वाई और कहीं है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई कहीं है तो आप नोटिस कर सकते हैं, माइनस तो नहीं है, तो इसे हम लिख लेंगे टू एक्स वाई। देन आगे है माइनस टू वाई जेड, देन माइनस टू जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज। राइट बच्चों, अब इसे अगेन हम सॉल्व करते हैं, तो ये वन बाई टू ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए सब में यहाँ पे टू टू कॉमन है, तो यहाँ से हम टू बाहर ले सकते हैं, तो टू ब्रैकेट ओपन। राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। राइट बच्चों, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में, तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। राइट बच्चों, और ये अगेन हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। राइट बच्चों, अब ये अब याद कीजिए, ये ए मान लीजिए ये फॉर्मेट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसका फॉर्मेट है, आपको याद होगा ये फार्मूला जो है, आप याद रख सकते हैं ये फार्मूला किसका है, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड का फॉर्मेट है। तो देखिए दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमारा वेरीफाई हो गया।